हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर लाइव इंटरैक्शन सेशन। कैसे हैं आप सभी लोग? सो आज के हमारे लाइव इंटरैक्शन सेशन में हमारे साथ जुड़ रहे हैं मिस्टर आकाश शुक्ला अपनी बुक आखिर के लाइव इंटरैक्शन सेशन के लिए। सो हियर इज़ द बुक। तो चलिए उन्हें हमारे लाइव इंटरैक्शन सेशन में इनवाइट करते हैं। हेलो सर। हेलो, तो कैसे हैं आप? एक बार ऑडियो चेक कर लीजिए, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी, हाँ मैं अच्छा हूँ। रिशा आप बताएं कैसी हैं? जी मैं भी बहुत अच्छी हूँ सर। तो आप हम अपने बारे में हमारे व्यूअर्स को कुछ बताइए। रिशा पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इस पेज के लिए इनवाइट किया, और जितने भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं मैं उन्हें वेलकम करता हूँ। और चूंकि अभी एक मोहब्बत का महीना शुरू हुआ है जिसे फरवरी सभी लोग कहते हैं, और फरवरी के अंदर तारीखें सभी को याद रहती हैं कि कौन कौन सी तारीखें हैं, किन किन तारीखों के लिए हम क्या क्या तैयारियां करते हैं, तो इसी फरवरी से जुड़ी मेरी एक किताब है। असल महीने में फरवरी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये मोहब्बत का महीना है, दूसरी बार कह रहा हूँ, तो किताब भी चूंकि मोहब्बत पर ही है। मेरा नाम आकाश है और आपने अगर मेरी किताब में पढ़ा होगा तो मेरा नाम अस्तित्व है। जी। तो सर मुझे यही चीज एक क्वेश्चन था हमारा कि आपकी किताब में आपका ऑथर नेम अस्तित्व है और आपका रियल नेम आकाश है, तो इन दोनों चीज में डिफरेंस? ये दो शख्सियत है, दो अलग लोग हैं। आकाश जो है वो समाज में तमाम चीजों को देख रहा है, सुन रहा है, समझ रहा है, और उन तमाम चीजों को देखने, सुनने और समझने के बाद जो उसे अपनी कलम से और अपनी चीजों से अपने जहन में इकट्ठा कर कर उन्हें एक अलग तस्वीर बना रहा है, वो अस्तित्व है। तो बेसिकली अगर कम शब्दों में बात करें तो एक कलाकार के रूप में, एक आर्टिस्ट के रूप में जो शख्स है वो अस्तित्व है, बाकी तमाम दुनियादारी से भिड़ने वाला जो एक शख्स है वो आकाश है। तो सर आपने किताब लिखने की जर्नी कब से स्टार्ट की है? ये राइटिंग सेशन कब से? किताब लिखने के लिए मुझे लगता है कि अक्सर मैंने देखा है कि ये सवाल पूछा जाता है कि सर आपने किताब कब लिखना शुरू किया, किताब कैसे लिखी। तो मेरा तो ये जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो ये है कि राइटर कोई बनता नहीं है, राइटर होता है। तो उसने कब पहली बार लिखना शुरू किया उसे नहीं पता होता। ऐसी स्थिति में तो वो ये बता ही नहीं सकता कि आपको उसने शुरू कब किया था, क्योंकि उसे खुद भी नहीं पता होता कि उसने कब शुरू किया था। तो मैं आपको सही जवाब नहीं दे सकता कि किताब कब लिखना शुरू किया। किताब तो उस रास्ते का एक पड़ाव है, मतलब जब मेरा लिखना शुरू हुआ होगा, मैंने लिखा, मैंने स्कूल कॉलेजेस में प्लेज लिखे, तमाम लोगों के लिए लिखता रहा और दोस्तों के लिए लव लेटर्स लिखे, तो लिखने की जर्नी तो बहुत पुरानी है। तो लिखने के साथ साथ जब हम इस पूरे पड़ाव में आते गए तो रास्ते में फिर एक ऐसा मोड़ आया जहां पर एक किताब की शक्ल बनकर आ गई, फिर एक और किताब की शक्ल बनकर आ गई, फिर तमाम किताबों में कई और लेखक मिले और उनके साथ भी किताबें बनती चली गई। तो ऐसे करके ये सीढ़ी बनी जहां पर एक किताबी दौर शुरू हुआ। लेकिन एक वाकई लिखने वाला लेखक ये नहीं कह सकता कि मैंने फला तारीख से लिखना शुरू किया था, क्योंकि ये प्लान नहीं करता। ये चीजें हो जाती हैं। तो सर अपनी बुक के बारे में भी हमें कुछ बताइए, आपकी बुक के अंदर के थॉट्स और क्या चीजें हैं इसमें? किताब पूरी तरीके से पोएट्री बुक है, उसमें किसी भी तरीके की नस नहीं है, गद्य मतलब अगर वैसे कहा जाए तो कहानियां नहीं है, नज्म लिखी गई है। नज्मों के साथ साथ कुछ कपलेट्स हैं, कुछ पोइट्री है, जिन पोइट्री में कई कहानियां हैं। मतलब पोइट्री के साथ एक 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 अजब खेल ऐसा है कि कहानी तो किसी एक शख्स पर डिपेंड कर जाती है कि फला के ऊपर एक कहानी लिखी जा रही है, लेकिन कई बार पोइट्री ऐसी पोइट्री हो जाती है कि वो तमाम शख्स के ऊपर होती है और हर शख्स अपने अपने अलग अलग तरीके से उस कहानी को लेता है।
कोई भी एक लाइन लिखी गई होती है और उसे चार पढ़ने वाले होते हैं, तो वो चार अलग अलग तरीके से उस लाइन को लेते हैं। तो सामान्य भाषा में यह है कि जब कविता कही जाती है तो वो कविता न जाने कितनी कहानियों को समेटी होती है, जो कि मेरी किताब आखिर के अंदर है। पूरी किताब में बस पोइट्री ही पोइट्री है, तो जब आपको मौका लगे तो आप पढ़ें और फीडबैक जरूर दें। आप कुछ सुनाइए सर इस किताब के एक पोइट्री। पोइट्री यूँ तो बहुत सारी हैं, जिसमें मेरी जो सबसे पसंदीदा है, जो मैं सबसे कहना भी चाहूँगा हमेशा अपने लफ्जों में, जो कहीं ना कहीं हिम्मत देती है कि आगे बहुत अंधेरा होगा, आगे बहुत अंधेरा होगा, खुद को रोशन रखना होगा। तो ये जो दुनिया है इसमें आप कब किसी अंधेरे में घिर जाएं, तो सबसे बेहतर है कि खुद को मशाल के रूप में बनाइए और आगे चलते चलिए। तो इन्हीं लाइन के साथ मैं आपको बताऊंगा कि तमाम ऐसी पोइट्रीज हैं जो कहीं ना कहीं लोगों को मोटिवेशन देंगी, जो कहीं ना कहीं किसी को लगेगी कि ये तो मेरे लिए लिखी गई है। और वाकई में एक लिखने वाले के जीवन तभी सफल है जब कोई पढ़ने वाला ये कह दे कि हाँ ये मेरे ऊपर है, ये मेरी कहानी है। जी तो सर अब हम ये पूछना चाहेंगे कि मोटिवेशन, इस किताब को लिखने का क्या मोटिवेशन, कैसे आपके दिमाग में ये थॉट आया कि चले एक शायर के ऊपर किताब लिखते हैं, और कैसे ये चीजें आपके माइंड में आई, ये चीजें? ये भी बहुत पोएट्री नुमा है मेरा जीवन की किताब कैसे आई। यूं समझिए कि जैसे अपन समंदर के सामने खड़े थे और हमें लगा कि हमें भी पानी सहेजना है, तो हमने कुछ इसकी व्यवस्था करी। एक लंबा दौर था जब कुछ लिखते थे, डायरी लिखते थे, और तमाम शब्दों के साथ अपनी एक दोस्ती यारी हो चुकी थी कि नहीं अब हम इस तरीके को नया तरीका भी दे सकते हैं, इस अपनी बात को अलग तरीके से भी कह सकते हैं। तो यूं ही बैठे थे एक दिन और ये ख्याल आया कि तमाम किताबें आ रही हैं। सबसे जरूरी बात ये थी कि हम उस मतलब जब मैं किताब पढ़ रहा था या मैं सेशंस देख रहा था, तो उस दौर में ओपन माइक का सेशन बहुत तेजी से आया। ओपन माइक के सेशंस में मैंने ऐसा देखा कि तमाम ऐसे लोग थे जो जिन्होंने कहा कि हम शायर हैं और हम शायरा हैं, हम कुछ शायरी सुनाएंगे, हम कुछ पोइट्री करेंगे। लेकिन कई बार जब उनसे ये पूछा गया कि आपने सुनाया क्या, तो वो कहते थे कि हमने कुछ भी सुना दिया है, अब आप इसे चाहे शायरी समझ लीजिए चाहे वो नज्म समझ लीजिए। तो बेसिक जरूरत ये थी कि किसी को ये पता होना चाहिए कि जब भी कोई वो शायरी कर रहा है तो उसे क्या ये पता है कि वो बहर में कह रहा है, वो मीटर में कह रहा है, जो ग्रामर्स होती हैं कि बेसिकली हम शायरी को शायरी कब कहेंगे, जब वो अपने सारे पैरामीटर्स में फिट बैठेगी। तो ऐसे हम दोस्त लोग बैठे हुए थे तो किसी ने कहा कि ये तमाम लोग जो आगे नहीं आते, जिनको पता होता है, उनकी वजह से वो तमाम लोग आगे जाते हैं जिन्हें कुछ नहीं पता होता, और कहीं ना कहीं एक ऐसी भीड़ तैयार हो जाती है जिन्हें कुछ नहीं पता होता। वहां पर एक ऐसा शख्स, एक ऐसा कुनबा तैयार होना चाहिए जो ये बताए, जो उन्हें ठीक करे, जो उन्हें मजबूत करे कि आप कर तो बेहतर रहे हैं लेकिन इसे थोड़ा सा और राइट और लेफ्ट करेंगे तो और बेहतर हो जाएगा। तो उसके बाद ये किताब के तौर पर हमने ये तैयारी की कि चलो ठीक है, एक पूरी मीडल्स में किताब, एक बेहतर जिसको पढ़े आदमी और पढ़कर ये समझे कि नहीं सही और गलत में कितना महीन अंतर है, उसे समझ में आए। तो ये किताब जर्नी आई और किताब मतलब प्रिंटिंग प्रेस में जाने वाली थी, और किताब की जर्नी बहुत खूबसूरत है। जब मेरी पहली किताब आ रही थी तो मुझे लगता है कि किसी भी लेखक के लिए उसकी पहली किताब आने का मतलब है कि वो एक जैसे एक माँ मातृत्व महसूस करती होगी ना जब वो प्रेग्नेंट होती है, तो मतलब ऐसे ही पहली किताब आने का दौर भी था। मतलब मुझे ऐसा डर लग रहा था कि पता नहीं लोगों को पसंद आएगी कि नहीं आएगी, दुनिया में उसे कोई क्या कहेगा, कोई पढ़ेगा तो फेंक देगा, कोई उठाकर दिल से लगा के रख लेगा। तो ये दौर था, बहुत डर था। अगले दिन मुझे मालूम पड़ा कि फाइनली ऑनलाइन की जा रही है किताब और सारी चीजें हैं, तो रात भर आप यूं समझिए कि मुझे बहुत डर रहा कि ऐसा ना हो कि कोई चार गालियां देना शुरू कर दे कि क्या कर दिया तुमने, ऐसा ना हो कि कोई ये कहने लगे कि ये क्या ही लिखा है, किस तरीके की किताब है, कैसा कवर कर दिया है। लेकिन ऊपर वाले का इतना शुक्र अदा करूंगा कि जब मेरी किताब आई तो अगले दिन ही ये मेरा जो ये बच्चा था ये इतना लायक रहा, इतना खूबसूरत रहा, इतना प्यारा रहा कि इसको सभी ने अपने हाथों हाथ लिया और बहुत प्यार दिया। और बस ये जर्नी यहाँ से ऐसे आ गई, और फिर मैं लिखित तौर पर लोग कहने लगते हैं कि आप किताब आ गई है तो अब आप ऑथर हो गए। बहुत जरूरी होता है, लोगों को लगता है कि किताब आ जाए तो ही वो लेखक है, ऐसा नहीं है, ये तो एक पड़ाव है खाली। तो बस किताब की जर्नी ऐसी है मेरी। तो सर किताब लिखते वक्त आपको बहुत सारे फेलियर्स के और मोटिवेशन के, ऐसे मोटिवेशन तो आपने हमें बता ही दिया, अब अपने फेलियर्स के बारे में भी हमारे व्यूअर्स को कुछ बताइए, क्योंकि अक्सर लोगों को अपनी पहली किताब लिखते वक्त बहुत सारे फेलियर्स का
सामना करना ही पड़ता है। फेल्योर्स का देखिए, मैं फिर कहूंगा ना, जब आप कोई चीज प्लान करेंगे जी, तो, जी जी प्लान नहीं किया जा सकता, मतलब आप किताब लिखेंगे ये सोचेंगे हाँ। तो आप बहुत मुश्किल में पड़ जाएंगे, आपको आपको थॉट से रूबरू होना पड़ेगा, है ना। आप सीधे ताजमहल थोड़ी ना बनाते हैं, आपको पहले मोहब्बत करनी पड़ेगी, है ना। शाहजहां ने पहले ताजमहल नहीं बनाया, उसने पहले मोहब्बत करी, तो जब उसने मोहब्बत करी उसके बाद एक मुकाम आया जहां पर उसने जो है ताजमहल बनाया। तो ताजमहल एक वक्त पे आया, एक आयाम बना, लेकिन आपको शब्दों से तो रूबरू होना पड़ेगा ना, आपको पढ़ना तो पड़ेगा ना। फेल्योर जैसा मेरे जीवन में वाकई कहूं तो मुझे किताब के दौरान नहीं आया, मुश्किल इतनी बड़ी नहीं आई। मैंने इतना सोचा नहीं था कि नहीं मुझे ऐसा काम करना है, मुझे प्रोजेक्ट करना है, लोगों को पढ़ाना था, लोगों को सुनाना था, लोगों ने पसंद किया, वो हाथों हाथ एक साइकिल की तरह चलता रहा। मतलब इट्स नॉट प्रोजेक्टेड, मतलब ये कुछ प्लान किया हुआ चीज नहीं है, ये बहुत दिल से निकला था और दिल तक पहुंचा, बस यही इसकी शुरुआत और यही इसका जो है सफर है जी। तो सर अभी हमारे साथ काफी लोग जुड़े हैं जो फ्यूचर ऑथर बनना चाहते हैं, और अभी आपने जैसा ही कहा कि उनकी जर्नी चल रही होगी, कितने लोग अभी लिख रहे होंगे, उनके लिए कुछ टिप्स जो आप बताना चाहते हैं? टिप्स क्या, मैं टिप्स कौन देने वाला होता हूँ। मैं तो बस इतना ही कहूंगा कि जितने भी साथी हैं जो लिख रहे हैं, उनके लिए बहुत जरूरी है कि अपने अल्फाज जब बयान करें तो उसके लिए वो एक अच्छा शब्दों का समूह अपने अंदर इकट्ठा करें। मतलब कि उनके लिए पढ़ना बहुत जरूरी है, अगर हम पढ़ते नहीं है तो हमें अपनी बात कहने का सलीका नहीं आता है, हमें अपनी बात कहने का तरीका नहीं पता होता है, हमें शब्दों का चुनाव नहीं आता है। कई बार आप देखते हैं ना, कुछ हमारे साथ ऐसे लोग होते हैं जो बात तो ठीक कर रहे होते हैं लेकिन उनका शब्दों का चुनाव गड़बड़ हो जाता है, जिसके चक्कर में लड़ाई हो जाती है, झगड़े हो जाते हैं और काफी कुछ हो जाता है जो नहीं होना चाहिए था। वो सिर्फ इसीलिए होता है क्योंकि हमें सलीका नहीं पता। वो एक लाइन क्या वो कही जाती है ना कि कहने का तरीका आता हो तो हर कोई सुनता है टाइप, ऐसे तो लहजा होना चाहिए। आप कई बार प्यार भरी बात भी कहते हैं तो वो लाठी लग जाती है, और कई बार आप गुस्से की चीज भी बहुत प्यार से कह जाते हैं। तो इसके लिए मैं, जितने भी नए लोग हैं, नया लेखक कोई भी आ रहा है, तो मेरे दोस्त मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि आप खूब पढ़िए, अपनी ग्रामर मजबूत करिए, आप उन लोगों को जरूर पढ़िए जो जिन्होंने इस विधा को हम सभी से इंट्रोड्यूस कराया, जिन्होंने ये बताया कि किताबें भी लिखी जानी चाहिए, हमारी किताब क्यों लिखी जाए, हम समाज में क्या योगदान दे रहे हैं, इसको हमें बहुत ज्यादा जिम्मेदारी से सोचना चाहिए। हम कुछ भी यूं ही ना दें, जो भी लिटरेचर वर्ल्ड है वो आम दुनिया नहीं है कि हम वहां पर कुछ भी डस्टबिन बना के उसमें कुछ भी कूड़ा करकट डाल दें, हम कुछ भी दें तो बेहतर दें, और ऐसा दें जो जीवन पर्यंत याद रहे, लोग लिखें, पढ़ें, देखें। मतलब हमारे दादाजी लोग यही कहा करते थे, कुछ बेहतर कर जाओ ताकि लोग पढ़ें, या कुछ बेहतर लिख जाओ ताकि लोग उसे पढ़कर कुछ बेहतर हो जाएं। तो ये दोनों चीजों में से कोई एक चुनाव करना होगा, कुछ बेहतर करना होगा, कुछ बेहतर लिखना होगा, लेकिन उससे पहले खूब अच्छा पढ़ना होगा। इसमें जरूरी नहीं है कि आप कुछ अच्छा ही पढ़ें। आप कहोगे कि सर इसमें आप बता दीजिए कि चुनाव करा दीजिए कि हम क्या पढ़ें। मुझे लगता है कि जीवन में आप हर किसी चीज से, हर किसी से वाकिफ हो। अच्छे दोस्त अच्छी चीजें देते हैं, और जो बुरे लोग आते हैं, बुरे दोस्त होते हैं, वो भी दोस्त ही कहूंगा मैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं बहुत सारे अनुभव देते हैं। तो दोनों चीजें आप लीजिए, दोनों चीजें पढ़िए, पुराने समय से लेकर आज के समय को भी पढ़िए कि आज समय क्या कह रहा है और पुराने के लोग क्या कहते थे। अच्छा पढ़िए, बुरा पढ़िए, सब कुछ पढ़िए, ताकि आपके पास दुनिया खुलती चली जाए। अगर कोई नई भाषा सीख सकते हैं तो जरूर सीखें, उससे आपकी एक और नई दुनिया अनलॉक हो जाती है। तो बेहतर यही है, मैं सभी से यही कहूंगा कि वो कोशिश करें कि खूब पढ़ें और खूब बेहतर लिखें। तो सर आपसे बात करके हमें बहुत ज्यादा अच्छा लगा, आपकी बुक के बारे में इतनी सारी चीजें जान के। जैसे कि आपने कहा फरवरी का महीना चल रहा है तो लव की बातें तो होंगी होंगी, तो सर शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए, थैंक यू सो मच। मुझे भी बहुत अच्छा लगा इस सेशन के साथ। आपके जितने भी लेखक होंगे उन सभी को मेरा बहुत बहुत प्यार भरा नमस्ते कहिएगा, सभी को प्यार दीजिएगा, और जितने भी साथी जो यहाँ पर सवाल पूछ रहे हैं उनके सवालों के जो भी जवाब हैं, एक आध जवाब अपन देते हुए चलते हैं, क्योंकि मुझे बहुत सारे सवाल के जवाब सवाल नहीं दिख रहे हैं। कोई पूछ रहा है कि आपकी कोई नई बुक लाइन में है क्या? जी जी, तो, जी। हाँ, मतलब रविराज पूछ रहे हैं। रविराज दोस्त, किताब तो मैं लिख रहा हूँ, किताब कोशिश चल रही है, सहेज रहा हूँ कहीं ना कहीं, अगर सब कुछ बहुत बेहतर सहेज जाएगा तो एक अच्छी किताब कोशिश रहेगी कि आप सभी के सामने बहुत जल्द आएगी। और तमाम सारे सवाल मुझे लगता है कि नई किताब को लेकर ही है,
तो उन सभी को मैं बताता हूँ कि बहुत जल्दी ही एक नई किताब आएगी, और एक नहीं बैक टू बैक आती चली जाएंगी. आप सभी का प्यार बस बना रहे, साथ बना रहे, तो ये ताकत मुझे मिलती रहेगी. सर थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस. शुक्रिया 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 शुक्रिया. टेक केयर. ओके.